हे गाइस, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग डिजिटल स्ट्रोक। तो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जब आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में बेली और बियांका बेलेयर का हमें सेगमेंट देखने को मिलता है तो इसमें स्टैंड टॉल कौन रहता है। तो गाइस, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैन वेलकम, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में WWE अनाउंस करके हमें एडवर्टाइज करके बताती है कि जो बेली है वो बताने वाली है कि जितने भी स्मैकडाउन में वुमेन्स चैंपियन हुई हैं उसके बारे में, यानी कि गाइस वो मॉली हॉली से लेके और ट्रिस स्ट्रेटस तक हमें बताती है कि कितने भी चैंपियन हुए हैं। लेकिन गाइस, वो क्या होता है, जैसे ही ये सब के बारे में वो अपनी बातें को ओवर करती है तो गाइस उनको इंटरप्ट और को नहीं बल्कि करेंट स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन बियांका बेलेयर करती है। और गाइस, यही कुछ बातों में मतलब करके वो उनकी जो नज़र रहता है उसको भटकाने की कोशिश करती है और वो अटैक करने की कोशिश करती है बेली। लेकिन गाइज, वो उसमें सक्सेस नहीं होती है। तो पहले क्या होता है कि बियांका बेलेयर अटैक कर देती है बेली पे, यानी गाइज बियांका बेलेयर काफी मतलब बुरे तरीके से अटैक करती है बेली पे। और उसके बाद गाइज होता क्या, मतलब फिर बेली रिकवर होती है। और बेली गाइज जब रिकवर होती है तो वो बुरी तरीके से अटैक करती है बियांका बेलेयर पे। यानी गाइज, आज के जब फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जब हमें बेली का सेगमेंट देखने को मिला तो गाइज बेली काफी ब्रूटल तरीके से अटैक करते हैं बियांका बेलेयर पे। और गाइज रिंग में स्टैंड टॉल और को नहीं बल्कि गाइज बियांका बेलेयर नहीं बल्कि बेली रहती है। और गाइज, आज के स्मैकडाउन में हमें कुछ यही देखने को मिला। तो होप करता हूँ आपको हेल्प करेगी। फाइनली बाय फ्रेंड्स।